जिंदगी दाव पर लगा दे, हजारों की जिंदगी बना दे, उसको संत कहते हैं। जी हाँ, आज उन्हीं संतों के बीच में हम मौजूद हैं। हमारा सौभाग्य है और घमासान लुटकों का भी सौभाग्य है कि इन संतों के बीच में हम पधारे हैं। तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन संतों की जिंदगी कैसी होती है हम जानना चाहते हैं आपके मुखार बिंद। पहली बात तो संत शब्द की परिभाषा जो है बहुत अलग प्रकार की होती है जी। संत उसको कहते हैं जो समाज का, संसार का संताप जी। इसी संत को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई कहता है मुनि, कोई कहता है साधु, कोई कहता है महात्मा, कोई कहता है ऋषि जी। तो ये सब शब्द जो है एक परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने आपको संत शब्द की परिभाषा बताई, ऐसे मुनि शब्द की परिभाषा होती है जो मन को जीत करके मौन रह के साधना करे, उसका नाम मुनि। उसका नाम मुनि। जो आनंद आनंद मिलता है सर, जब आप लोगों को देते हैं शिक्षा देते हैं, तो लोगों को भी आनंद मिलता है बहुत। जैसे हम अगर बातचीत कर रहे हैं तो मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे में ये आनंद अद्भुत आनंद होता है। भगवान की शरण और संत की शरण, मतलब आप आनंद की शरण में आ गए हैं। तो कितने सालों से आप संत के वेश में आए? लगभग आधी सेंचुरी होने वाली है। 50 सालों से होने वाले हैं, दो तीन साल बाद में। तो आप आनंद की बात जो करते हो जी, तो संसार का प्रत्येक प्राणी जो है धनेष्णा और लोकेष्णा से युक्त है। और यदि जब मेरे पास में लोग आकर के कोई प्रकार की ज्ञान की अभ्यर्थना करते हैं, तो मुझे उस समय में अपने आप के अंदर अपने संत बने के ऊपर बड़ा गौरव होता है, अभिमान्य होता है जी। गौरव होता है और मैं सोचता हूँ कि संसार जो है ज्ञान के आधार पर मेरी ज़रूरत महसूस करता है जी। और ज्ञान देना एक बहुत बड़ा काम होता है, और संत के रूप में निर्लेप भाव का ज्ञान, निष्काम वृत्ति का भाव, और भी अनेक अनेक प्रकार के सद्गुणों से युक्त ज्ञान देना बहुत जीवन को आनंददायी होता है जी। क्यों? क्योंकि संसार जो है, किसी के पास में भी जाओ आप, तो वो यही कहेगा कि मैं आपको इस मंत्री से मिला दूंगा, इस अफसर से मिला दूंगा, ये काम करवा दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं कि सत्संगत सबसू भली जी, नित ही कीजे जाए रामचरण ये संत जन देवे ब्रह्म मिला। हमको इस बात की बड़ी चित्त के अंदर बड़ी एक अनुभूति है कि संसार कहता है इधर जाओ भक्ति के बाद में मैं तुमको ये मिला दूंगा, वो दिला दूंगा, पर हम लोग कहने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे पास में आओ, तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ सब तुमको मिलेगा, हमारे लिए से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तुमको एक ऐसा अद्भुत प्रकार का मार्ग बताएंगे जो किसी के भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। भक्ति और मुक्ति किसी के भाग्य में परमात्मा ने नहीं लिखी। भाग्य की अगर बात करते हैं तो राम मंदिर का भाग्य अभी अटका पड़ा है और संत समाज बड़ा ही आक्रोश में नजर आ रहा है, आप किस पथ पर चलेंगे? देखो, मेरे विचार जरा दूसरे प्रकार। मैं ये मानता हूँ कि बाबर ने ताकत के दम के ऊपर हमारे राम मंदिर को मस्जिद बनाया, हमने भी ताकत के बल के ऊपर उस ढांचे को ढहा दिया। आज मैं यही कल्पना करता हूँ कि हमारा समाज कब अपने आप की शक्ति को पहचान करके, और गॉड संत आदेश देने वाले होते हैं, संत आज्ञा मानने वाले नहीं होते। संत अपने गुरु और अपने राम की आज्ञा मानते हैं, संत को कोर्ट का क्या इंतजार करना। जिस ताकत के बल पर बाबर ने मंदिर को मस्जिद बना दिया, तो आज हमारे हिंदू समाज में भी इतनी जागृति होना चाहिए कि वो भी ताकत के बल पर जाकर के और वहाँ मंदिर बना दिए। तो समाज जो है हमसे चलता है, समाज जो है हमसे, व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समाज बनता है, और व्यक्ति यदि चलता है तो समाज चलता है, व्यक्ति रुकता है तो समाज रुकता है। आज समाज को जागृत करने के लिए संत आक्रोश में नहीं है, एक प्रकार से अपने अपने आश्रम को छोड़ करके और लोगों को जगाने के लिए मैदान में आए हुए हैं। तो आप भी यही कहेंगे कि पहले मंदिर फिर सरकार? हमको सरकार से क्या लेने देना, सरकार अपने टाइम टेबल पर चलती है, टाइम टेबल पर बनती है, और जो संविधान की मर्यादाएँ होगी उसके अंतर्गत बनेगी बिगड़ेगी, सरकार से हमको कुछ लेना देना नहीं। हम यदि मंदिर में जाते हैं तो हमको सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होती, हम यदि राम राम करते हैं तो सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होती। सरकार अध्यात्म के अंदर कोई प्रकार का दखल दे नहीं सकती है, सरकार का दखल केवल भौतिकवाद में है। आपके पास धन है तो क्यों है और कहाँ से आया, आपके पास बिल्डिंग है तो कहाँ से है, ये क्यों बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, किसके लिए बनेगी,
बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप साधु बन रहे हो, आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं पूछ सकती। लेकिन राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होता है सरकार के पास, और कई बार सरकारें बनी है राम मंदिर के मुद्दे। हमारा देश जो है वो एक ऐसे प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है पिछले 1100 साल से कि उसमें उनने जो है जो हमारे मूल सिद्धांत थे उनका परित्याग किया। अभी मैं वही कथा करके आया, भगवान ने मूल सिद्धांत के रूप में हमारे लिए कहा था, ओम ब्राह्मणोश्च मुख माशित बाहु राजन्य कृता गुरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायता। हमारे समाज के तीनों अंगों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तीनों ने शूद्र को एक तरफ कर दिया। जबकि आज आप भी जानते हो शूद्र समाज हमारे यहाँ पर 84.5% है, 15.5% है हमारा सवर्ण समाज। सवर्ण समाज यदि चलता है तो शूद्र समाज से चलता है, बैठता है, खाता है, पीता है, कुछ भी करता है तो शूद्र समाज का अवलंबन लेकर के करता है। हमने जो है 1100 साल के पहले शूद्र समाज को इतना अवॉइड किया है, उसको हमने अछूत बना दिया है, इसके कारण से हमको 1100 साल गुलाम रहना। एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के हाल, अभी आपने चुनावी हाल देखे, सवर्ण समाज कहीं ना कहीं तो नाराज चल रहा था, शिवराज सिंह से काले झंडे दिखाए जा रहे थे, माइक लाल वाला जो बयान था वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा, आप कितना लेते हैं इस चीज़? बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि सपाक्ष पार्टी बनी थी, उसको कितने वोट आए, जितने नोटा में वोट नहीं आए उतने पूरी पार्टी को आए हैं वोट, तो उनका क्या वैल्यू है, क्या औकात है उन लोगों की, इन शूद्रों के आगे, इन लोगों के आगे, इन लोग वो लोग पछता रहे आज कमलनाथ को वोट, लेकिन कमलनाथ को पूरा बहुमत भी दिया उन्होंने, उन्होंने एक प्रकार से उनको केवल वहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया बाउंड्री के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत जो है वो अपने आप में निश्चित हैगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को परसेंटेज के आधार पर देखे तो वोट ज़्यादा मिले, वो 40.8 है, ये 41.2 है, बिल्कुल इतना तो है ना, तो उस आधार पर अपन देखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही हराया है। उनको जो है न शूद्र ने हराया न सवर्ण ने हराया, हराया है तो केवल वो लोग पछता रहे। नोटा सा भारी पड़ गया ना, नोटा भारी पड़ गया ना उसके ऊपर, तो नोटा तो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ ही है ना, ये एक हमारे समाज को एक स्वतंत्रता, स्वच्छंदता रूपी स्वतंत्रता दे रखी कि आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा कर सकते हो। तो उस आधार पर जो है हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, और आप अगर ये भी जस्ट 4-5 महीने में लोकसभा के चुनाव नहीं होते तो आप देख लेते हैं कि 27% दल बदल होने वाला है, या आप बताना मत भले, लेकिन मैं आपको एक अंदाज की बात बता रहा हूँ कि 27% दल बदल होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 में वापस तीनों स्टेट में काबिज होगी। अब ये मेरी बात लिख कर रख लेना कभी। एक आम आदमी, एक भारतीय को किस तरह से जीना चाहिए? पार्टियां तो कुछ भी वादे करती है, वादे हैं वादों का क्या, लेकिन एक भारतीय को किस तरह से जीना चाहिए अपने देश को? भारतीय को जीने के लिए हमारे धर्मशास्त्र में अनेक प्रकार की परंपराएं बताई, हमारे यहाँ पर किसी भी शास्त्र में लेकिन ये नहीं बताया है कि तुम इनको छुआछूत करो, इनको अछूत मानो, ये हमारे यहाँ कहीं पर कोई प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। हमारे यहाँ पर यह है, हमारे महाराज ने लिखा है, जैसी आत्मा अपनी ऐसी पार की जान, एको दर्द विचार के करिए नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि जैसी आत्मा शूद्र की, जैसी आत्मा क्षत्रिय की, वैश्य की, ब्राह्मण की, भगवान ने तो केवल ये कहा है कि ब्राह्मण जो है समाज का मुख है, और मुख से होती पहचान, क्षत्रिय जो है भगवान की, विराट पुरुष परमात्मा समाज की भुजाएँ हैं, भुजा में तलवार है तो लोग डरते हैं, रक्षा करवाने की याचना करते हैं, और शूद्र को वैश्य को बताया पेट में, तो पेट में दवाई खाते ना, पाँव की भी माथे की सबकी, और वैश्य को कहा कि तुम पालन पोषण करो, लेकिन ना मुंह की पूजा होती, ना हाथ की पूजा होती, ना पेट की पूजा होती, पूजा होती पाँव की, पदभ्याम शूद्रो अजायतः। भगवान ने आज्ञा दी है कि शूद्र की ही पूजा होगी, वो समाज जिंदा रहेगा, वो समाज सबल रहेगा, वो समाज संपन्न रहेगा, लेकिन जो छुआछूत करेगा वो समाज मिटने की कगार पे पहुंच जाएगा। हमने भारतीय सिद्धांतों का त्याग किया, इसलिए हमको 1100 साल गुलाम रहना पड़ा, कुछ साल हम यवन के रहे, कुछ साल हम मलेच्छों के रहे, और आज भी हम उसी विसंगति में, हिंदुस्तान का कम से कम 60% समाज आज भी छुआछूत के जहर में डूबा हुआ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम संत समाज यहाँ पर मौजूद है, आपको बता दें कि जीना है तो भारतीय बन के जियो, क्योंकि समाज और धर्म किसी मुल्क को नहीं बनाता है। आप भी इसी तरह से जिए, लेकिन ऐसी ही खबरों के लिए आप देख रही है घमासान।